हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल विजय इन्फॉर्मेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइज, मैं लाया हूँ आज आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो गाइज, ये इन्फॉर्मेशन किसी भी यूट्यूबर के लिए जानना बहुत जरूरी है। यह सेटिंग अगर आपने नहीं की अभी तक तो आपका चैनल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कभी भी हो सकता है, चाहे वो मोनेटाइज हो चाहे वो नहीं हो, एड हो सकता है। इसीलिए मेरी वीडियो पूरी देखिए, एंड तक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। तो गाइस, होता क्या है, हम यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, उसके बाद चालू कर देते हैं, वीडियो में डालना शुरू कर देते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गाइस, अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं की अभी तक तो जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो कभी भी आपका चैनल का एंड हो सकता है। एंड मतलब ये बहुत बड़ी गलती होती है और बहुत से लोग इस वजह से अपना चैनल खो चुके हैं। इसीलिए ये वीडियो मैं आपके साथ बना रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करें। तो गाइस, आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने चैनल पे जाकर के टू स्टेप वेरिफिकेशन करनी है। वो कैसे होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको उसके प्रोसेस समझा देता हूँ कि इससे होता क्या है। तो गाइस, जैसे कि मान लीजिए आपने यूट्यूब चैनल बना लिया, उसको एक्टिव भी कर लिया, ठीक ठाक चल रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक फोन लेते हो, जब भी आप फोन खरीदते हो तो आपको जीमेल आईडी बनानी पड़ती है और उसी से आपका फोन एक्टिव होता है। तो गाइस, आपने फोन ले लिया, जीमेल आईडी बना दी, फोन चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी दिन ऐसा आता है कि आपका फोन चोरी हो जाता है या एवरीथिंग टूट जाता है, उसके बाद वो फोन स्टार्ट ही नहीं हो पाता। अब बात शुरू होती है यहीं से। यहीं से क्या, आप नया फोन तो ले आओगे, चालू करोगे, वही जीमेल आईडी डालोगे और डालने के बाद होगा क्या, उसके अंदर एक सीक्रेट कोड उस फोन पे जाएगा जिसमें आपने पहले एक्टिव कर रखा है। और वो कोड जब तक आप उसको यस नहीं बोलोगे, उस कोड को ओके नहीं करोगे, उस पे फोन पे जाएगा कि आप ही वो जो ये अकाउंट चला रहे हो, दूसरा जिसमें एक्टिव कर रहे हो, तो उस पे ओके करना पड़ता है, यस इट मी, ठीक है। उसके बाद आपके फोन में ये चालू होगा। जब वो फोन चालू ही नहीं है, खत्म हो चुका है, तो इसका मतलब आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गाइस, ये टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको करनी बहुत जरूरी है। मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कैसे है टू स्टेप वेरिफिकेशन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आपको करनी है। तो गाइस, सबसे पहले हमें आना है अपने वाई टी स्टूडियो पे, और वाई टी स्टूडियो पे आने के बाद हमें ग्रीन वाला ऑप्शन जो हमारे साइड में आता है उसको क्लिक करना है। और ये हमारे खुल चुका है, हम राइट साइड में देखेंगे ऊपर बिफोर यूर अप्लाई पे हमें क्लिक करना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन पे फिर कंटिन्यू कर देना है टर्न ऑन करके। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड फिल करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये हमारा फेस खुल गया है इंटरफेस। यहाँ पे हमें चेक करना है क्या क्या हमें डालना है। सबसे पहले ऐड ऑफ फोन नंबर जो हमारा डालना है, इंडिया सेलेक्ट करके अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल देना है, फिर हमें नेक्स्ट कर देना है इसको। और नेक्स्ट करने के बाद एक कोड आएगा, वह कोड अपने फोन पे इसमें एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। और वेरीफाई क्लिक करने के बाद ये देखिए गूगल प्रॉम्प्ट, वन डिवाइस, फोन नंबर आपका ये एक्टिव हो चुका है। तो हमारी एक पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब टर्न सेकंड स्टॉप ऑन, हमें यहाँ से चेक करके उसको ऑन कर देना है। अगर मेरा तो ऑफ ऑन है ऑलरेडी, अगर आपका ऑफ है तो ऑन कर दीजिए। ये है पास की गाइस। ये पास की किस काम में आती है, आपके जितने भी गूगल अकाउंट है उसको सभी भी एक बार कोड के अंदर पास की बन जाती है, जिससे आपको हर किसी के लिए पासवर्ड एंटर नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने फोन से फेस लॉक या फिर फिंगरप्रिंट लॉक आपको एक्टिव करना पड़ेगा, उससे ये चलेगा। उसके बाद ये आते हैं गाइस, ये हम देखिए डिवाइस में ये हमें दिखा रहा है कि हमारे किस किस अकाउंट कहाँ कहाँ पे हमारी ईमेल आईडी इस वक्त एक्टिव है। अब आप किसी को अगर हटाना भी चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये किसी पीसी में हमने खोला था, तो उसको हम यहाँ से सबमिट कर देंगे और हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अदर पीसी में हमने कभी खोला होगा तो वहाँ से ये हमारे दिखा रहा है कितने बजे और कितने तारीख को हमने खोला था, साइन आउट करके हम इसे बाहर आ जाते हैं यहाँ से, और उसके डिवाइस से हमारा लिंक बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो गाइस, इसके बाद बैक चलते हैं। बैक आने के बाद फिर चेक करते हैं नीचे कहाँ कहाँ पे हमारा ग्रीन सील्ड आ चुका है, हमारी सिक्योरिटी ग्रीन हो चुकी है, टू स्टेप वेरिफिकेशन हमारी टर्न ऑन है, फोन नंबर हमारा हो चुका है, नाउ साइन विंडो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ देखिए ग्रीन दिखा रहा है हमारी, यानी कि हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे हमें चेक करना है कॉन्टैक्ट नंबर हमारे, ये रिकवरी नंबर हमारे, ये रिकवरी ईमेल जो है हमें इस पर अभी वेरीफाई नहीं हुई है हमारी ईमेल, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वेरीफाई करने के लिए। फिर आपकी ईमेल आईडी जो अदर ईमेल आईडी आपने दी है उस पर कोड जाएगा, कोड को यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई करेंगे, रिकवरी ईमेल वेरीफाइड हो चुकी है। फिर वापस हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद हमारी वेरिफिकेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। हम वापस आई टी स्टूडियो पे जाके चेक करेंगे दोबारा से, फिर एरन के ऑप्शन पर फिर जाएंगे गाइस, फिर वहां पे देखेंगे, देखिए ऑप्शन यहाँ से हमारा हट चुका है,
टू स्टेप वेरिफिकेशन का। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। गुड बाय।